डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में रविवार को खेले गए मैच में स्टार स्पोर्ट्स क्लब भगवानपुर ने राजपूत स्पोर्टिंग क्लब पीपीगंज को 6-0 से शिकस्त दी। MBFC बदौली ने पूर्वांचल FC गोरखपुर को 0-4 से जीत हासिल किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव शंभुनाथ ने कहा, आने ना आने से मेरा नाम शंभुनाथ, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सचिव गोरखपुर। जी हाँ, आज 6वां दिन है और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये रीजनल स्टेडियम पे जिला फुटबॉल लीग मैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत 16 टीमों ने भाग लिया है। आज 3 मैच सुबह खेले गए और 3 मैच शाम को खेले जा रहे हैं और इसमें पॉइंट के आधार पर 4 पूल बनाए गए हैं, जिसे 4-4 टीमों के 4 पूल बनाए गए, जिसमें से एक एक टीम अंकों के आधार पर ली जाएगी, जिसमें गोरखा बॉयज FC और खोराबारी FC की टीमें सेमीफाइनल में अंकों के आधार पर प्रवेश पा चुकी हैं। 2 टीमें अभी आज का और कल का सुबह का एक मैच है, उसके बाद निर्णय किए जाएंगे।